नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज हम आए हैं दिल्ली के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान पर सफदरजंग टॉम्ब घूमने के लिए। ये टॉम्ब बिल्कुल ताजमहल से मिलता जुलता है, तो आज मैं आपको ये पूरा टॉम्ब घुमाने वाला हूँ। और ये टॉम्ब दिल्ली के किस जगह पर स्थित है, यहाँ पर आप कैसे पहुँचें, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर एंट्री फीस है 25 रुपये पर व्यक्ति। मैं टिकट ले चुका हूँ, टिकट काउंटर आपको बाहर ही मिल जाएगा। आप देख सकते हो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है इस टॉम्ब का। सामने आप देख रहे हो सफदरजंग टॉम्ब है, और अगल बगल आप देख सकते हो पेड़ खड़े हुए हैं, बीच में पानी के फव्वारे लगे हुए हैं। दोस्तों, इस मकबरे को हम ताजमहल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस मकबरे की आप बनावट देख सकते हो, अगल बगल पेड़ लगे हुए हैं, बीच में पानी के फव्वारे हैं, मतलब कि थोड़ा मिलता जुलता है ताजमहल से, इसलिए हम इसको दिल्ली का ताजमहल भी कह सकते हैं। यह मकबरा दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। इस जगह के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट दिखाई नहीं देंगे। ज़्यादातर टूरिस्ट हुमायूं टॉम्ब और जामा मस्जिद देखने के लिए जाते हैं। हुमायूं टॉम्ब पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख लेना। टाइमिंग की बात करें तो यह टॉम्ब सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सातों दिन खुला रहता है। आइए दोस्तों, अब टॉम्ब के अंदर चलते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं कैसा दृश्य दिखाई देता है यहाँ का। यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर बोर्ड पर इस मकबरे के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश भाषा में भी, आप यहां पे पढ़ सकते हैं इसका इतिहास भी। यह सफदरजंग का मकबरा अंतिम मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के शक्तिशाली व कुशल प्रधानमंत्री सफदरजंग की स्मृति में नवाब शुजाउद्दौला ने सन 1754 ईस्वी में बनवाया था। यहां पर सफदरजंग की कब्र बनी हुई है, इसे आज भी मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। चलिए दोस्तों, ऊपर से आप देख सकते हो कि यहाँ का कितना शानदार दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से आप अच्छी अच्छी पिक ले सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पिक्चर यहाँ पे आने वाली हैं दोस्तों। यहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि सफदरजंग का यह मकबरा लाल बलुए पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। यह मकबरा मुग़लों द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक इमारत में से सबसे अंतिम इमारत है। आइए अब मकबरे के अंदर चलते हैं। आप इस मकबरे की छत देख सकते हो, कितने अच्छे से डिज़ाइन की गई है। बहुत ही खूबसूरत और एक शांत जगह है दोस्तों ये। सामने आप देख रहे हो संगमरमर के पत्थर से बनी ये सफदरजंग की कब्र है दोस्तों। यह मकबरे का पीछे का हिस्सा है दोस्तों। मकबरे को चारों तरफ ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। यहाँ भी देख सकते हो मकबरे के चारों तरफ हरा भरा गार्डन है। आप मकबरे के अंदर चारों तरफ से एंट्री कर सकते हो। यह स्थान कपल्स के लिए नंबर 1 जगह है। कुछ पल शांति से अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं आप, तो इस जगह पर ज़रूर आएं, बहुत ही बढ़िया और अच्छी जगह है ये। जिन लोगों को फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक़ है,
वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी जगह है ये। यहाँ पर आने की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आप किसी भी समय, मॉर्निंग हो या इवनिंग या दोपहर, किसी भी समय आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर आपको हर समय अच्छा लगेगा। गर्मी में अगर आप आते हैं, धूप में आते हैं, धूप भी है यहाँ पे, तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप पेड़ पौधे के नीचे बैठिए, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत राहत मिलेगी और बहुत शांति है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये दिल्ली की। दोस्तों यह सफदरजंग टॉम्ब दिल्ली के जोरबाग जगह पर स्थित है। यहाँ पर आप दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे दिल्ली की DTC बसें, दिल्ली के लोकल मेट्रो, दिल्ली के लोकल ऑटो और प्राइवेट कैब के माध्यम से आप आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। इसके नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग मेट्रो स्टेशन। जोरबाग मेट्रो स्टेशन से इस सफदरजंग टॉम्ब की दूरी है लगभग आधा किलोमीटर। आप चाहें तो पैदल वॉक करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो इस टॉम्ब के नज़दीकी सफदरजंग मदरसा बस स्टैंड है। सफदरजंग मदरसा बस स्टैंड से इस टॉम्ब की दूरी तकरीबन 20 मीटर है। हेलो दोस्तों, अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूँगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दो चार दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही खूबसूरत जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। दोस्तों बाय बाय, अब मैं आपको मिलूँगा एक ऐसी ही खूबसूरत जगह और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और धन्यवाद।